हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है सेट। ये 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट चैप्टर करेंगे सेट। बेसिकली सेट की डेफिनेशन क्या है? अ कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर काइंड सच एज अ क्रिकेट टीम, यानी किन्हीं वस्तुओं का कलेक्शन है, किन्हीं चीज़ों का कलेक्शन है, उसको हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। जैसे क्रिकेट टीम है, या किसका कलेक्शन है? प्लेयर्स का। क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की जो भीड़ है वो किसका क्राउड क्या है? लोगों का सेट है ना। तो इसी प्रकार मान लीजिए आपके सिलेबस में मैथ की 3 बुक हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और आपके पास तीनों हैं, तो आप क्या कहेंगे कि आपके पास मैथ का एक सेट है, राइट। अब सेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सेट को हम इस ब्रेसिस के अंदर बंद करते हैं, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर हम बंद करते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा सेट कहलाता है। और इस ब्रैकेट के अंदर आने वाले जो वस्तुएं हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं, राइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं आपसे कहूँ कि एक सेट है प्राइम नंबर का, ठीक है, एक सेट है प्राइम नंबर का, ठीक है, 2 से 5 तक। तो 2 से 5 तक आने वाले ये प्राइम नंबर ये हैं, राइट। और यहाँ पर ये जो 2, 3, 5 है, ये क्या है? एलिमेंट है, राइट। और सेट को आप किसी से भी डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं ए सी डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, राइट। अब कुछ और देख लेते हैं सेट, जैसे ऑड नंबर। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें आपने बुक में पढ़ा होगा वेल डिफाइन सेट। वेल डिफाइन सेट क्या होते हैं, ये देख लेते हैं। वेल डिफाइन सेट सबसे पहले वह सेट होते हैं जिस सेट का निर्माण किसी के भी द्वारा समान रूप से किया जाए। हिंदी में बोल रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैथमेटिक्स की भाषा में कि वेल डिफाइंड सेट यानी ईयर। आपसे कहा जाए कि आपको मंथ का सेट बनाना है, ईयर में आने वाले जो मंथ्स हैं उन सभी का सेट, तो आप कैसे बनाएंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, और इसको ले जाएंगे कहाँ तक? दिसंबर तक, राइट। यदि मैं आपके दोस्त से कहूँ कि उसको भी सेम सेट बनाना है ईयर में आने वाले मंथ्स के, तो वो भी क्या बनाएगा? जैन से बनाएगा, फरवरी, दिसंबर। यदि मैं भी बनाऊं तो मैं भी क्या करूंगा? मैं भी सेम जनवरी से स्टार्ट करूंगा और दिसंबर तक बनाऊंगा, राइट। इसका मतलब आपने देखा कि तीनों के द्वारा बनाए गए सेट समान है, यानी इनमें जो एलिमेंट है वो समान है, एलिमेंट है, कोई भी अलग से एलिमेंट नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप बनाओ तो कोई अलग महीना आ जाएगा, मैं बनाऊँ तो अलग महीना आ जाएगा, नहीं। क्योंकि हमको जो ईयर में आने वाले जो कंप्लीट मंथ है उनका सेट बनाना है। तो आपको समझ में आया? ऐसा सूट जो किसी के भी द्वारा बनाया जाए, है ना, हमेशा समान हो, ठीक है, उसको हम वेल डिफाइंड सेट कहते हैं, राइट। अब जैसे मैं बोलूं कि आपको 1 से 100 तक जो भी अंक आए वो सबको एक सेट के अंदर लिखना है, तो आप करेंगे 1 to 100, मैं भी करूंगा 1 to 100, तो ये क्या है? समान सेट होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड सेट कहते हैं, राइट। अब यहाँ पर कुछ और उदाहरण हैं सेट के, जैसे ऑड नंबर लेस, जो आपकी बुक में दिए गए हैं, ऑड नंबर लेस देन 10, यानी 10 से कम आने वाले जो ऑड नंबर हैं उनका सेट। एस द रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया क्या है? रिवर्स ऑफ इंडिया का सेट बनना है। बोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं? सेट, ठीक है। यदि आपको बोलें कि इस इक्वेशन का जो एक्स की वैल्यू हो इनका सेट, तो एक्स की वैल्यू आप निकालेंगे यहाँ से, सो 2, 3 आएगा, x-1 हो जाएगा और x+2 हो जाएगा, राइट। तो इनका जो एक्स की वैल्यू आएगी 2, 3 आएगा, और इनको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे तो इनका सेट बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ आपको सिंबल हैं, उन सिंबल का आपको मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे। जो कैपिटल एन है उसका मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। जो जेड है उसका मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्यू का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। जेड पॉजिटिव का मतलब होता है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। क्यू द सेट ऑफ रेशनल रियल नंबर। आर पॉजिटिव का मतलब होता है द पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। क्योंकि
क्यूब पॉजिटिव का मतलब होता है रेशनल नंबर, राइट, पॉजिटिव रेशनल रियल नंबर, ठीक है। अगर आपको ये सब नहीं मालूम हो कि किसको हम रियल नंबर रेशनल नंबर कहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पे इन सब का अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो वहाँ आप देख लीजिएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे सीधे नंबर सिस्टम वाले जो है वीडियो पर पहुँच जाएंगे। अब देयर आर टू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट, ठीक है। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं, इसको मैं बताऊंगा। सबसे पहले एक और बात आपको बता दूं कि सेट दो प्रकार के होते हैं, एक फाइनाइट सेट होता है और एक इनफाइनाइट सेट होता है, राइट। फाइनाइट सेट वो होता है जिसके एलिमेंट को आप गिन सकते हैं, इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसके एलिमेंट को आप गिन नहीं सकते। जैसे फाइनाइट सेट मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक है, तो ठीक है, और दूसरा सेट है 1 2 3 4 5, वो चलता चला जा रहा है, ठीक है, यानी डॉट 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 करके, इसका मतलब ये इनफाइनाइट सेट होगा, ये फाइनाइट सेट होगा। कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं जो बुक में दिए हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के। फाइंड बेल डिफाइन सेट। अब यहाँ पे हमको, मैंने आपको बेल डिफाइन सेट की मीनिंग समझाई थी, तो इसमें से आपको बेल डिफाइन सेट मालूम करना है, ठीक है। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट एग्जाम्पल भी मैं आपको जब चैप्टर कराऊंगा तो उसमें कुछ ऐसे इनफाइनाइट सेट आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, वहीं पर आपको रिवाइज करवा दूंगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। अब इसको आपको मालूम करना है कौन सा वेल डिफाइंड सेट है कौन सा नहीं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, यानी हमको एक ऐसा सेट बनाना है जो कि जो ऐसे मंथ का सेट बनाना है जो जे से स्टार्ट हो। तो आप क्या करेंगे, जनवरी, जुलाई और जून, राइट। तो ये वेल डिफाइंड सेट है, क्योंकि इस क्वेश्चन को कोई भी व्यक्ति सॉल्व करे उसका सेट यही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है कोई इस प्रकार लिख दे जून, जुलाई और जैन, है ना, कोई इस प्रकार लिख दे जैन, जनवरी, जुलाई। तो मैं आपको बता दूं, सेट में ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट, सेट में ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। भले ही आप एलिमेंट का ऑर्डर कहीं पर किसी को भी लिख दें, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब 10 मोस्ट टैलेंटेड राइट, तो ये वेल डिफाइंड सेट है। पहला, द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब देखिए, हर एक का अपना एक क्राइटेरिया हो सकता है। आप हो सकता है चेतन भगत को टैलेंटेड मानते हो, मैं हो सकता है अरुंधति रॉय को टैलेंटेड मानता हूँ, है ना, तो ये सबके अलग अलग होंगे। तो इसमें जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया हैं जो 10, वो हर हो सकता है कि किसी ने कुछ लिया, किसी ने कुछ लिया, हर एक के अपने क्राइटेरिया के अनुसार, है ना, हर एक का अपने क्राइटेरिया। तो ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर। अब यहाँ पर भी बेस्ट बैट्समैन आपको चुनना है, तो यहाँ पर भी सब एक का अलग अलग परसेप्शन हो सकता है, तो ये भी वेल डिफाइंड सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ठीक है। अब हाँ, ये वेल डिफाइंड सेट है, क्योंकि आपकी क्लास में जो भी लड़के होंगे उनका कोई भी सेट बनाएगा तो एक ही आएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ठीक है, नेचुरल नंबर लेस देन 100, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 से कम, तो ये वेल डिफाइंड सेट है। अ कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द राइटर, ये भी वेल डिफाइंड सेट है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए जितने भी नॉवल हैं सब इसमें आ जाएंगे, तो वो कोई भी करेगा, यदि वो उसे मुंशी प्रेमचंद के सारे नॉवल उस सेट में डालने पड़ेंगे, राइट। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अब देखिए, ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है, क्योंकि इवन इंटीजर 2 होगा, राइट, 4 होगा, ठीक है, इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे, तो कहाँ तक ले जाएंगे, ये कोई लिमिट नहीं दी इसमें, तो ये क्या होगा, सॉरी, इसमें गलती हो गई है मुझसे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये एक आपको ये वेल डिफाइंड सेट है, वेल डिफाइंड सेट है, क्योंकि वो सभी को पॉजिटिव इंटीजर सभी इसी प्रकार से सेट, एक ही सेट बनाएंगे, है ना, कोई अलग से तो कोई लाएगा नहीं इवन इंटीजर, तो सबका एक ही एलिमेंट होंगे सेट में, तो ये सही है। लेकिन मैं ये जो कहना चाह रहा था कि ये देखिए, ये एक इनफाइनाइट सेट का भी उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है वो आप काउंट नहीं कर सकते, ये इन्फिनिटी तक जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं दी है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है उनका कलेक्शन का सेट बनाना है, तो ये वेल डिफाइंड सेट है, ठीक है, और ये फाइनाइट सेट भी है, राइट। फाइनाइट सेट तो आप समझ गए होंगे, एलिमेंट काउंट कर सकते हैं, और नॉन इनफाइनाइट में आप
सॉरी इनफाइनाइट सेट में आप एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते, राइट, वो चलता जाता है। और ये वेल डिफाइंड सेट भी है, वेल डिफाइंड सेट है ये, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए इसमें है कि मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड का जो है हमको इसमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल। अब देखिए सबके लिए अलग अलग हो सकता है, हो सकता है मेरे लिए जो हो वो हो आपका पैंथर, राइट, गोरिल्ला, और हो आपका कोबरा, ठीक है, इस तरीके से कुछ हो, और हो सकता है किसी दूसरे के लिए हो लॉयन, टाइगर, है ना, और लेपर्ड, इस प्रकार हूँ। तो ये सबका अलग अलग परसेप्शन हो सकता है ना। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड सेट नहीं है, राइट। अब ये जो साइन है इसको आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, राइट। ये क्या है, बिलोंग्स टू है, इस तरीके से क्या है, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक सेट है 1 2 3 4 5, और ये फोर है, फोर बिलोंग्स टू किस में है, फोर बिलोंग्स टू इस सेट में, है ना, इसको मैंने सेट को नाम दिया ए, फोर बिलोंग्स टू ए, यस, फोर बिलोंग्स टू ए, सही है, क्योंकि फोर जो है इस सेट, राइट, क्योंकि फोर जो एलिमेंट है वो इस सेट में है, इसीलिए फोर बिलोंग्स टू ए। यदि मैं बोलूँ सिक्स बिलोंग्स टू ए तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको जब हम नॉन बिलोंग्स टू कहते हैं, नॉट बिलोंग्स टू कहते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है कि आपको एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, इसको ऐसे कट कर देना है, तो ये होता है नॉन बिलोंग्स टू। तो जो एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग्स नहीं करता है तो वो नॉट बिलोंग्स टू कहलाता है, जो एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करता है तो वो बिलोंग्स टू कहलाता है, राइट। यहाँ पर इसी को हमको फिल इन द ब्लैंक्स में बिलोंग्स टू और नॉन बिलोंग्स टू फिल करना है। तो आप देखेंगे फाइव और ब्लैंक और ए, यानी फाइव ए से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा, फाइव इस सेट में है, ए वाले सेट में, इसीलिए बिलोंग्स टू आएगा। इसी प्रकार आप आगे के क्वेश्चन करिएगा, राइट, राइट इन रोस्टर फॉर्म। अब देखिए सेट को दो तरीके से लिखा जाता, देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट। तो सेट को लिखने के दो मेथड हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म है, और सेट बिल्डर फॉर्म है। तो रोस्टर फॉर्म और सेट टेबुलर फॉर्म क्या होते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कोई सेट इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर लिखा हो, 1 2 3 4 5, तो इसको कहते हैं हम रोस्टर फॉर्म, इसको क्या कहते हैं हम, रोस्टर फॉर्म, ठीक है, और रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, राइट। और यदि इसी को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, तब हम क्या करेंगे, तब देखिए इसको आप ये जो सारे के सारे एलिमेंट हैं इसको मान लेंगे आप एक्स, एक्स भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन बुक में एक्स ही दिया गया है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे बुक की भाषा से पढ़ते हैं ना, तो उनको समझने में बड़ी आसानी होती है ना। तो इसको सारे एलिमेंट को एक्स मान लिया, तो ए इक्वल टू किसके बराबर है, एक्स के बराबर। अब देखिए क्या इतने से काम हो गया, नहीं, ये यहाँ एक्स क्या है ये बताना पड़ेगा, है ना, एक्स की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर जब मैं दो बिंदु लगाता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब होता है सच दैट, राइट, इस तरीके से दो बिंदु लगाई जाती हैं, इसका मतलब होता है, दो बिंदुओं का मतलब होता है सच दैट, यानी अब हम एक्स को डिफाइन कर रहे हैं कि एक्स क्या है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, राइट। अब एक्स नेचुरल नंबर है, अब नेचुरल नंबर तो एक से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, लेकिन इसमें तो एक से लेकर 5 तक हैं, तो ये भी हमको बताना पड़ेगा ना कि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। तो एक्स की वैल्यू 1 के बराबर है, ठीक है, या 1 से बड़ी है, ठीक है, और 5 के बराबर है या 5 से छोटी है, ठीक है। अब देखिए एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, जो कई लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, इन दोनों में अंतर है, ठीक है, इन दोनों में अंतर है, ठीक है। इसमें क्या है, जब आप इसको लेंगे ना, तो इसमें क्या है, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे और 5 लेंगे, ठीक है। और जब इसको लेंगे आप, तो 1 लेंगे, 2 लेंगे, सॉरी 1 नहीं, जब इसको लेंगे तो 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी लेनी है और 5 से छोटी, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1
लेनी है, एक के बराबर है और एक से बड़ी लेनी है, और पाँच के बराबर तक लेनी है और या पाँच से छोटी तक लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और पाँच इंक्लूड होता है, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा है, और यहाँ पे एक और पाँच इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो एक छोटी सी बात थी। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गई सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। सारे एलिमेंट को एक्स मान लिया, एक्स को डिफाइन कर दिया कि एक्स एक्चुअली है क्या। अब देखिए इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है ना, यानी एक्स मान लिया, ठीक है, एक्स को क्या है, एक्स को डिफाइन करना है, तो एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वेयर एक्स क्या है, वेयर एन, वेयर, अब एक्स की लिमिट दो, एक्स क्या है, जैसे ये जो हमने भाषा में लिखा है ना, लैंग्वेज में लिखा है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, इसको लैंग्वेज में ना लिख के अगर मैथ की भाषा में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एक से लेके इन्फिनिट तक जाते हैं, तो एक्स क्या है, एक्स के जो भी एलिमेंट होंगे वो सब नेचुरल नंबर में ही से लिए होंगे, है ना, जैसे एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, सब नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर एक्स की आप लिमिट दे दो, है ना, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये लैंग्वेज ना लिख के इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, राइट। तो इस, ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म और ये हो गई रोस्टर फॉर्म। अब देखिए ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, ए इक्वल टू एक्स है, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, और ये लिमिट दे दी है। ठीक है, तो लिमिट दे दी है इसका, यानी एक्स जो है तीन, अब रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में हम जानते हैं पूरे के पूरे एलिमेंट लिखना होते हैं, यानी एक्स की जो वैल्यू है वो पूरे लिखनी होती है, तो एक्स की वैल्यू क्या है, तीन से ज़्यादा है और 10 से कम है, तो ए इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर बंद किया हमने, और 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो ये रोस्टर फॉर्म में लग गई। इसी तरह एक इस इक्वेशन को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स की जो वैल्यू आएगी 1 माइनस 2, यानी जो एलिमेंट है उनको हम फिर ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म, राइट। अब ये क्वेश्चन है, एक्स है, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर है और एक्स की जो वैल्यू है उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 40 से कम आएगी। ठीक है, तो ऐसे 1 से लेकर 6 तक ही नंबर है, 6 तक ही नंबर है, एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 7 रखेंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 49, जो कि क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 40 से, तो 7 को हम नहीं ले सकते, तो 1 से लेकर 6 तक है। अब ए इक्वल टू 1 4 9 16 25, अब हमको इसको बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो वे आर ए इक्वल टू एक्स, एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, राइट। अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन है जिनको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमको इसको लिखना है, ये क्या है, रोस्टर फॉर्म में, तो सॉरी ये यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, इस सब को मानेंगे एक्स, राइट, इसको एक्स मानेंगे, एक्स क्या है, स्क्वायर ऑफ, ये आप देख रहे हैं नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, तो एक्स इज अ नेचुरल नंबर स्क्वायर, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, ये जो लैंग्वेज है इसको इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, जैसे एक्स है, एक्स क्या है, सच दैट, ये सच दैट का साइन है, एक्स इक्वल टू क्या है, एन स्क्वायर, राइट, तो एन क्या है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट, ये हमने बता दिया कि जो एन है वो नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, अब हमने लिमिट नहीं बताई, लिमिट इसलिए नहीं बताई क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, यहाँ इन्फिनिटी तक है, इसलिए हमने इसमें कोई लिमिट नहीं बताई। ठीक है, अब ये हम देख लेते हैं, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो इन सब को क्या मान लेते हैं, एक्स, अब एक्स इक्वल टू क्या है, एन अपॉन एन प्लस वन, ये एन अपॉन एन प्लस वन क्यों है, क्योंकि देखिए ये वन है, इसको यदि हम एन माने तो ये क्या होगा, एन प्लस वन, यानी एन की जगह वन रखेंगे तो टू आएगा, और यदि एन की जगह टू रखेंगे तो यहाँ पे एन प्लस वन होगा, और एन की जगह टू रखने पर यहाँ पे थ्री आएगा, तो ऊपर क्या है, यहाँ पे एक कम है और नीचे जो है ऊपर वाली संख्या से एक ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन होगा, वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब एन नेचुरल नंबर है, ठीक है, अब नेचुरल नंबर जो है उसकी लिमिट है कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, एन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, एन इक्वल टू हमको 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, और नीचे ऑटोमेटिकली एन प्लस 1 है तो ये 2 से स्टार्ट होकर 7 तक पहुँच जाएगा, तो एन की लिमिट 1 है और 1 से बड़ी है, और 6 है, 6 से छोटी है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है,
जैसे यहाँ पर क्या है, आपको मैच करना है, इस तरफ क्या है, यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में है और यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो प्रिंसिपल को कैसे लिखेंगे, प्रिंसिपल को कैसे लिखेंगे, प्रिंसिपल को देखिए, प्रिंसिपल क्या है, एक्स है यहाँ पर सच दैट, और मैं यहाँ पे यही लिख के आपको बता देता हूँ, ठीक है, एक्स है, एक्स सच दैट है, एक्स इज अ वर्ड ऑफ प्रिंसिपल, राइट, ये हो गया। दूसरा क्या है, यहाँ पे इसमें जीरो एलिमेंट है, तो यहाँ पे जीरो एलिमेंट कैसे होगा, एक्स जैसे यहाँ पे अब हम मैच कर लेते हैं क्योंकि जीरो की तो काफ़ी संभावनाएं हो सकती हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस वन इक्वल टू वन, यानी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है, एक्स इस जीरो को हमने माना, इस पूरे सेट को मान लिया हमने एक्स, अब एक्स क्या है, एक्स एक इंटीजर है और एक्स प्लस वन इक्वल टू वन है, यानी एक्स इक्वल टू जीरो ही आ जाएगा, वन उस तरफ जाएगा तो, और ये क्या है, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कहीं पे नेचुरल नंबर दिख रहा है, एक्स इज एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, राइट, पॉजिटिव इंटीजर है और इज अ डिवीजर ऑफ 18, यानी ये सभी के सब जो है 18 को डिवाइड करते हैं, 3 माइनस 3 देखो यहाँ पे देखो, एक्स एक्स है, एक्स इज इंटीजर है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर, अब अगर आपको नहीं मालूम इंटीजर रियल नंबर और नेचुरल नंबर, तो इनका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करके एक नया वीडियो आएगा, उसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है, x इक्वल टू क्या आएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 3 माइनस 3 है ना, तो फोर्थ कहाँ पे जाके मिल रहा है, इससे मिल रहा है ना, तो फोर्थ इससे जाके मिल रहा है, प्रिंसिपल इससे जाके मिल रहा है पहला वाला, और थर्ड वाला जो मिल रहा है वो इससे जाके मिल रहा है ए से जाके, और जो सेकेंड वाला है वो इससे जाके मिल रहा है, राइट। अब इन सबको हमको, ये जो एक्सरसाइज है, इन सबको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए इसको मैं यहीं आपको बताता हूँ, ठीक है, ए क्या है, ए एक सेट है, हम जानते हैं सभी एलिमेंट को एक्स मान लिया, एक्स क्या है, एक्स इज एन इंटीजर और जिसकी वैल्यू माइनस थ्री से स्टार्ट होके और माइनस थ्री है और थ्री से बड़ी है और सेवन से कम है, तो माइनस थ्री के बाद क्या आएगा, माइनस माइनस टू माइनस और जीरो और वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, राइट, यही आएगा, ठीक है, और एक्स एक्स जो है नेचुरल नंबर है, लेस देन सिक्स है, तो एक्स जो है नेचुरल नंबर है, लेस देन सिक्स है, तो बी इक्वल टू क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव, राइट, ये आएगा, और सी एक्स जो टू डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स एट, यानी हमको दो डिजिट के ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं जिनको सम करने पर, तो सी इक्वल टू यदि हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 17 हो सकता है, 26 हो सकता है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, तो 35 हो सकता है, 44 हो सकता है, 53, 71 और 80, ये इसके रोस्टर फॉर्म में है। द सेट ऑफ द ऑल द लेटर इन द ट्रिग्नोमेट्री, अब देखिए एक सेट के बारे में एक बहुत ज़रूरी बात है कि सेट में हम कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं, राइट, तो ये एक नोट बना के लिख लीजिएगा कि हम एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, राइट, सेट में हम एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, तो जब ट्रिग्नोमेट्री इसका हम सेट बनाएंगे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, टी आर आई जी एन ओ एम एम ई ई एन हम पहले ही ले चुके हैं क्योंकि रिपीट नहीं करते हैं, टी हम पहले ही ले चुके हैं, आर हम पहले ही ले चुके हैं, बाई, ठीक है, तो ये एक सेट बनेगा, ठीक है। अब द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बैटर, ठीक है, इसी प्रकार आप बैटर का भी बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए डी डी एक्स एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60, यानी इसका देखिए, इसका जब हम सेट बनाएंगे तो ऐसे नंबर, ऐसे प्राइम नंबर लेने हैं हमको जो 60 को डिवाइड कर दें, तो 2, 3, 5 ही ऐसे प्राइम नंबर हैं जो 60 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब इन सबका आपको ये रोस्टर फॉर्म में है, अब इन सबको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बनाएंगे, ये 3, 6, 9, 12 है, इन सबको क्या मान लिया, एक्स मान लिया, अब एक्स क्या है बताना पड़ेगा, तो एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू क्या है, ये 3 का मल्टीपल है ना, 3 × 6 तो 3n, n की वैल्यू रखेंगे तो पहले n की जगह 1 रखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट होके 4 तक जाएगी, यानी n जो है 1 है, 1 से बड़ा है और 4 है, 4 से छोटा है, तो 1, 2, 3, 4 n की जगह आएंगे, ठीक है। अब x अब दूसरे को करेंगे तो दूसरा क्या है, 2 की पावर n है, तो ये x इक्वल टू x सच दैट x की पावर इक्वल टू 2 की पावर n, n
बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और अब एन के, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, लेकिन इसकी लिमिट देनी पड़ेगी ना, क्योंकि नेचुरल नंबर तो बहुत है, तो हम कितने तक एन रखेंगे। तो एन वन से स्टार्ट होके वन और वन के बराबर और फाइव और फाइव से कम, है ना। जब एन की जगह आप वन रखेंगे तो टू आएगा, जब एन की जगह टू रखेंगे तो फोर आएगा। इसी प्रकार आपको पाँच तक रखने पड़ेंगे और पाँच से कम। अब यहाँ पे थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, टू फोर सिक्स, एक्स एन एक्स सच दैट, इसको पूरे को एक्स माना और फिर एक्स इसको बताया कि एक्स क्या है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, राइट। इसी प्रकार आप इसको करिए, इसको करिए, ठीक है, ये आपके सामने आंसर लिखे हुए हैं। दोस्तों यदि मान लीजिए किसी भी सेट में कोई एलिमेंट ना हो, जैसे ये एक सेट है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को जब हम डिनोट करते हैं तो वो किससे करते हैं, फाइ से, राइट। तो इससे करते हैं फाइ से, तो डिनोटेड बाय सिंबल फाइ, और या तो हम ब्लैंक जो है ब्रेसेस बना देते हैं। तो अब हमको जैसे कुछ एम्प्टी सेट के एग्जांपल हैं, ये देखते हैं, ए इक्वल टू एक्स, ठीक है, एक्स क्या है, एक से बड़ा है और दो से छोटा है। तो ऐसा कोई नंबर हो सकता है जो एक से बड़ा हो दो से छोटा हो? नहीं, कोई भी नंबर नहीं हो सकता। तो ये क्या है, एक ब्लैंक सेट है, ठीक है। इसी प्रकार ये बी, बी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो, तो एक्स इज अ रैशनल, सॉरी एक्स की वैल्यू आएगी रूट टू, तो रूट, अब ये कह रहा है कि एक्स की वैल्यू रूट टू है और एक्स इज अ रैशनल नंबर, पर रूट टू तो रैशनल नंबर है नहीं, है ना, तो इसका मतलब ये सेट भी एम्प्टी है, क्योंकि एक्स की वैल्यू रूट टू है लेकिन एक्स की वैल्यू रैशनल नंबर भी होनी चाहिए, तो दोनों कंडीशन ट्रू एक साथ नहीं हो रही है, है ना। अब एक्स इज एन इवन नंबर, प्राइम नंबर एंड ग्रेटर देन टू। अब एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, खाली एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, वो होता है टू। अब ग्रेटर देन टू यानी टू से बड़ा भी होना चाहिए, तो ये भी एक एम्प्टी सेट हुआ, क्योंकि दोनों कंडीशन एक साथ तो ट्रू हो नहीं रही, राइट। तो एम्प्टी सेट हमने देखा क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना आए वो एम्प्टी सेट होता है, राइट। अब ये जो एक्सरसाइज है इसमें बताना है कौन सा सेट जो है फाइनाइट है, इनफाइनाइट है। फाइनाइट सेट मैंने आपको बता दिया था जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट है जिसको हम काउंट कर सकें, और इनफाइनाइट सेट जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट जिसको हम काउंट ना कर सकें। अब यहाँ पे देखिए, इसको यदि हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू वन टू, क्योंकि एक्स की वैल्यू जो है वन और टू है। जब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू वन, और एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू टू। तो यहाँ पे ये क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा पहला, क्योंकि इसके जो एलिमेंट हैं वो वन और टू हैं जिसको हम गिन सकते हैं। अब एक्स है, एक्स नेचुरल नंबर है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल के क्या आई, टू आई, राइट, प्लस टू और माइनस टू, तो इस ये भी हम काउंट कर सकते हैं इसके अंदर एलिमेंट। अब एक्स क्या है, यहाँ पे थर्ड देखिए, नेचुरल नंबर है और टू एक्स माइनस वन है, तो एक्स की जगह क्या हो जाएगा, जीरो पॉइंट फाइव, तो इसका एलिमेंट भी गिन सकते हैं हम। अब फोर्थ देखिए, एक्स क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है, एक्स इज अ ऑड प्राइम ऑड नंबर, ठीक है ना, एक्स इज अ, तो अब यहाँ पे देखिए ये हम नहीं, क्योंकि ऑड नंबर कितने, बहुत सारे होंगे, कहाँ तक ले सकते हैं हम, है ना, ये कोई लिमिट नहीं दी, तो ये इनफाइनाइट होगा, राइट। अब इक्वल सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट, इक्वल सेट वो होते हैं जिसमें सेम एलिमेंट हो, सेम एलिमेंट हो तो वो है इक्वल सेट, ठीक है, सेम एलिमेंट हो तो इक्वल सेट होते हैं, यानी जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें भी होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट मिसमैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें यदि चार एलिमेंट है तो इसमें भी चार है, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये एक सेट है तो इसमें देखिए वन टू थ्री फोर है, इसमें भी वन टू थ्री फोर है, भले ही यहाँ पर फोर दो बार है, है ना। अगर हम एलिमेंट गिने तो इसमें चार है, इसमें पाँच है, जनरली हम रिपीट नहीं करते हैं एलिमेंट को, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, तो ये भी ए इक्वल टू बी होगा, राइट, तो इसको कहते हैं हम इक्वल सेट, राइट। नोट डाल लीजिएगा, जनरली डू नॉट रिपीट एनी एलिमेंट इन आ डिस्क्राइबिंग अ सेट, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट इफ एनी। अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज है जिसको हमको बताना है कौन से दो सेट बराबर हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, जीरो है, अब यहाँ पे क्या है, एक्स पंद्रह से कम है और एक्स पाँच से ज़्यादा है, है ना, एक्स पंद्रह से कम है, पाँच से ज़्यादा है, तो ये तो इसमें तो जीरो एलिमेंट है नहीं, राइट, तो ये ए और बी बराबर नहीं है, ठीक है, और
सी एक्स में एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे क्या है प्लस 5 और माइनस 5, तो ए जो है ए तो यहाँ पे देखिए सी और डी भी बराबर नहीं है। यहाँ पे सबके हम एलिमेंट अगर हम निकाल लें, ए में एलिमेंट जो है 2 है, सबको हम रोस्टर फॉर्म में लिख लें, ठीक है, बी को लिख लें, बी को रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे तो बी को क्या है यहाँ पे 5 से कम और 15 से ज़्यादा और 5, तो ऐसी तो कोई वैल्यू होगी नहीं जो 5 से कम हो और 15 से ज़्यादा हो, तो ये क्या हो जाएगा नल सेट हो जाएगा, राइट। अब तीसरा क्या होगा यहाँ पे एक्स सी की अगर हम बात करें तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 5 है तो सी का जो सेट बनेगा उसमें 5 एलिमेंट आएगा, मतलब जो एलिमेंट आएगा वो होगा 5, ठीक है। डी डी को हम करेंगे तो क्या होगा प्लस 5 और माइनस 5 ये एलिमेंट आएगा, राइट। अब ई का रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ई का रोस्टर फॉर्म में सेट बनाएंगे तो ई का भी क्या आएगा, ई का प्लस 5 आएगा। लेकिन आप सोचेंगे यहाँ पे तो x इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे x के 2 मान आए हैं, x प्लस 5 एंड x माइनस 5, तो फिर हमने e में जो एलिमेंट लिया वो सिर्फ 5 क्यों लिया, माइनस 5 क्यों नहीं लिया। तो यहाँ पे देखिए x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन, तो हमको सिर्फ पॉजिटिव रूट लेना है, ठीक है ना, इसलिए हमने सिर्फ 5 लिया है। अब देखिए कौन सा सेट बराबर है, तो देखिए c और e बराबर है, राइट, c और e इक्वल सेट है। अब एक्सरसाइज 1.2 करते हैं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। अब इसमें हमको नल सेट मालूम करना है, नल सेट मैंने आपको बता दिया 5 से रिलेट करते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, नल सेट कहते हैं। तो द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, ठीक है ना, ऐसे ऑड नेचुरल नंबर मालूम करने हैं जो 2 से डिविजिबल हो, ठीक है, तो ये नल सेट होगा। अब सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर 2 होगा, है ना, तो ये तो नल सेट है नहीं। एक्स इज नेचुरल नंबर एंड 5 से लेस देन है और 7 से बड़ा है, ये भी नल सेट होगा क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता जो 5 से कम हो 7 से ज़्यादा हो। अब यहाँ पे देखिए वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। अब 2 पैरेलल लाइंस में कोई पॉइंट कॉमन कैसे हो सकता है, ये है ना, तो 2 पैरेलल लाइन में तो ये भी एक नल सेट है। अब यहाँ पे फाइनाइट और इनफाइनाइट मालूम करना है तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका, ये आप करके देख लीजिएगा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मैसेज डाल दीजिएगा, आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना मैसेज डाल दीजिएगा, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट से, ठीक है, ठीक है, ये भी है आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप करेंगे तो अच्छा है। ये क्वेश्चन नंबर 4th है, क्वेश्चन नंबर 4th में ये जो क्वेश्चन है इसमें हमको बताना है कि कौन सा सेट ए और बी के बराबर है, तो ए बी सी डी, इसमें भी ए बी सी डी एलिमेंट है, इसमें भी ए बी सी डी एलिमेंट है, तो ये ए इक्वल टू बी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये पहला वाला तो बराबर है, अब ए इक्वल टू 4 है, 12 6 है और इसमें एलिमेंट सेम नहीं है, है ना, तो ये बराबर नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। अब ये देखिए इसमें 2 4 8 6 10 है, अब ये और बी में क्या है, एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर नंबर, ठीक है, जो कि क्या है 10 है और 10 से कम है, है ना, पॉजिटिव इवन इंटीजर नंबर, तो इस बी में भी कौन से सेट होंगे 2 4 8 6 10, राइट, तो ये भी ए और बी बराबर है। यहाँ भी एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10 और बी इक्वल टू है, ये भी मल्टीपल, ये मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है, तो ये इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी होगा, राइट। फिर ये है आप की प्रैक्टिस के लिए, ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, बहुत छोटी सी चीज़ है ये, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेट इक्वल सेट, ठीक है, बस खाली आपको देखना है कि सेम एलिमेंट है या नहीं, यानी इसमें 2 है तो इसमें भी 2 होना चाहिए, इसमें 4 है तो इसमें भी 4 होना चाहिए, ऐसा ही, कोई भी एक एलिमेंट अलग हुआ तो पेयर इक्वल नहीं होता है, राइट। की सबसेट क्या होते हैं दोस्तों, सबसेट क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक जनरल भाषा में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि MP है, मध्य प्रदेश, राइट, मध्य प्रदेश क्या है आपका एक स्टेट है, और ये जो है आपका क्या है, ये पूरा इंडिया है,
तो मध्य प्रदेश क्या, मध्य प्रदेश क्या होगा, तो मध्य प्रदेश इज अ सबसेट ऑफ इंडिया, राइट। यानी जो सबसेट है वो छोटा होता है, और सबसेट वो होता है जो किसी सेट के अंदर आए। ये पूरा क्या है, इंडिया एक सेट है, और इस सेट के अंदर आने वाला ये क्या है, सबसेट है, राइट। इसके अंदर भी अगर कोई सेट आ रहा है तो वो इस सेट, तो वो छोटा वाला जो सेट है वो बड़े सेट का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, राइट। जैसे अब मैथ की भाषा में समझते हैं, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल, एक्स क्या है, एक्स एक सेट है, एक एक आपके स्कूल में जितने भी विद्यार्थी हैं उनका एक आप सेट है, और वाई क्या है, आपकी क्लास में जितने भी विद्यार्थी हैं उनका सेट है। यानी स्कूल में जितने भी विद्यार्थी हैं, ये स्कूल में जितने भी विद्यार्थी हैं उनका सेट है एक्स, और वाई क्या है, क्लास में जितने भी विद्यार्थी हैं उनका सेट है। तो वाई क्या होगा, स्कूल में जितने भी विद्यार्थी होंगे उनका सबसेट होगा, राइट। अब सबसेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये जो सी की तरह हम ऐसे बनाते हैं ना ऐसे, इसको हम कहते हैं सबसेट। सबसेट को डिनोट करते हैं इस वाले साइन से, ठीक है, इसको सबसेट कहते हैं, या कहते हैं कंटेंट इन जनरल, बहुत से लोग मोस्ट ऑफ द टाइम इसको सबसेट कहते हैं, राइट। इसको कंटेंट इन भी कहा जाता है, यानी बाई जो है वो एक्स में कंटेंट है, कहने का मतलब ये है। यदि ऐसा लिखा है तो क्या है, क्या कहते हैं, बाई एक्स का सबसेट है। यदि सबसेट नहीं है तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम ये काट देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, नॉट सबसेट, राइट। एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। यानी ए में ए इक्वल टू है तो 1, 2, 3, ए में मान लीजिए ये एलिमेंट है ना, तो ये अपना खुद का ही सबसेट होगा, है ना। यानी ए सबसेट होगा ए का, राइट। आई थिंक आप समझ गए होंगे। द सेट ऑफ क्यूब रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड वी राइट, ठीक है। रियल नंबर रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर बनते हैं, तो सेट ऑफ क्यूब किस क्या होगा, रेशनल नंबर का क्या होगा, सबसेट होगा, है ना। सॉरी, क्यू क्या होगा, रियल नंबर का सबसेट होगा। क्यू क्या है, रेशनल नंबर है, और आर क्या है, रियल नंबर है। अब यहाँ पर देखिए, ए सबसेट बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या है, जैसे एंड बी इज कॉल्ड अ सुपरसेट ऑफ ए, राइट। जैसे मान लीजिए कि ए ए इक्वल टू क्या है, 1, 2, 3 है, बी इक्वल टू क्या है, 1, 2, 3, 4 है, ए बी के बराबर नहीं है, राइट। यानी बी में जो भी एलिमेंट होंगे, ठीक है, वो इसमें बी में कुछ ऐसे एलिमेंट भी हो सकते हैं जो इससे मैच करें, है ना, लेकिन ए बी का सबसेट है। इसका मतलब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो बी में मिलेंगे, ठीक है। जैसे ए के अंदर 1, 2, 3 है तो बी के अंदर 1, 2, 3 है, लेकिन ए बी के बराबर नहीं है, ए बी के बराबर नहीं है, इसका मतलब बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होंगे, तो इसीलिए हम बी को क्या कहते हैं, सुपर सेट कहते हैं, और ए को क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं, और ये क्या है, प्रॉपर सेट है, प्रॉपर सबसेट है। कंसीडर द सेट फाई, फाई क्या है, मैंने आपको बताया था नल सेट है फाई, ए इक्वल टू है 1, 3 है, बी इक्वल टू है 1, 5, 9 है, और सी इक्वल टू ये है। इंसर्ट द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब फाई और बी की तुलना करें, फाई और बी की तुलना, अच्छा एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है जिसमें हो सकता है आप गलती कर रहे हैं, तो फाई क्या होता है, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना, मतलब कोई भी सेट होगा फाई उसका सबसेट जरूर होगा, राइट। तो यदि फाई से बी की तुलना करें तो मैंने बताया फाई हमेशा सेट, हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे फाई सबसेट बी। दूसरा ए और बी की तुलना करें, ए और ए में है 1, 3, इसमें है 1, 5, 9, नहीं इसमें जो 3 है वो 3 बी में नहीं है, तो ए नॉट सबसेट ऑफ बी। अब ए सी की तुलना करें तो 1, 3, हाँ 1, 3 इसमें है, तो ए सबसेट बी है, है ना। यानी ए का जो 1, 3 पार्ट है, यानी यदि हम इसको देखें तो ए इसके अंदर सी के अंदर ही हमको मिलता है, तो ए सबसेट होगा क्या है, सी का। बी और सी की तुलना करें, 1, 5, 9 इसके अंदर है, तो बी सबसेट होगा सी का, राइट। क्योंकि आपको समझ में आ गया ना, सबसेट क्या होता है, सबसेट होता है जैसे बी और सी की तुलना करें तो बी में अंदर जो एलिमेंट है वो सी में मिलने चाहिए, है ना, तो क्या कहलाएगा, बी सबसेट कहलाएगा सी का, राइट। अब हम पढ़ेंगे इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या होते हैं, इंटरवल दो तरीके होते हैं, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज, राइट।
राइट। तो जैसे कि ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कभी हमें, जैसे मैं आपको एक सेट बिल्डर फॉर्म बताता हूँ एक सेट की, ठीक है, x ग्रेटर देन 5, राइट। तो x लेस देन 5 है और 3 इक्वल टू और ग्रेटर, x जो है 3 इक्वल टू ग्रेटर देन है, राइट। तो यहाँ पर यदि मैं सेट बिल्डर फॉर्म में ये बनाया, ठीक है, अगर मैं इसको, अब ये जो है ना, ये जो है, ये अगर इस तरीके से ना लिख के इस तरीके से लिखा जाए, जैसे 3 और जैसे इसमें क्या होगा, 3 भी होगा 4 भी होगा, राइट, 3 और 4 होगा, 5 नहीं होगा क्योंकि 5 से छोटा लेना है ना, 3 और 4 होगा। तो ये क्या है, ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल इसलिए है क्योंकि इसमें 3 तो शामिल है, राइट, 3 तो शामिल है लेकिन 4 जो है शामिल, लेकिन 5 जो है शामिल नहीं है। तो क्या है, 3 तो शामिल है, 5 जो है इसमें शामिल नहीं है। तो जो शामिल है उसके लिए हम कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं, ये वाला, और जो शामिल नहीं है उसके लिए ये वाला, और जो इंक्लूड है उसके लिए ये वाला, ठीक है। यदि दोनों ही शामिल होते तो हम कह सकते थे कि 3 5, तो ये क्या होता, एक क्लोज इंटरवल हो जाता। तो ये ओपन इंटरवल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई भी अगर एक जो है एलिमेंट, ठीक है, अगर उसमें शामिल ना हो तो वो ओपन इंटरवल हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें, इसमें क्या है, इसमें देखिए ए तो शामिल होगा और बी भी शामिल होगा, दोनों ही सॉरी, इसमें ए तो शामिल होगा लेकिन, इसमें ए तो शामिल होगा लेकिन बी शामिल नहीं होगा। तो ये क्या है, एक ओपन इंटरवल है फ्रॉम ए टू बी, इंक्लूडिंग ए बट एक्सक्लूडिंग बी। तो ये जो साइन है ना, ये जो साइन, ये बताता है कि ये जो एलिमेंट है ये शामिल नहीं होगा, इससे कम वाले होंगे। तो इसी प्रकार ये देखिए, अब यहाँ पे ये लगा है, यानी ए जो है एक्सक्लूडिंग है, ए को शामिल नहीं करेंगे, राइट, और बी को शामिल करेंगे। तो ये भी एक ओपन इंटरवल है क्योंकि एक तो, क्योंकि एक एलिमेंट एक्सक्लूड है, ठीक है। तो कभी भी ये साइन आए, जैसे ये है, तो ये यहाँ पे जो है ये क्लोज इंटरवल है, ठीक है। और ये क्या है, ये इसमें दोनों ही जो है, तो इसको भी आप ओपन इंटरवल कहेंगे, राइट। इसको यदि लाइंस में दिखाना हो, लाइंस में दिखाना हो तो कैसे कहेंगे, देखिए इसमें है ना, दो ऐसे ये लाइन है, ये ए बी दो जो है एलिमेंट है, तो दोनों अगर शामिल नहीं है तो हम क्या, ए बी कर देंगे, राइट। और दोनों यदि ए बी इंक्लूड है तो क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि ए तो शामिल है, बी शामिल नहीं है, तो बी की तरफ ये गोला बना देंगे। इसमें क्या है, ये गोला है, इसका मतलब ए शामिल नहीं है और बी क्या है, क्लोज है ना, ये ओपन है, ओपन है, और इसमें देखिए ढक्कन हमने बंद कर दिया, तो बी क्लोज है। तो इस तरीके से हम लाइन में दिखाते हैं। ओपन इंटरवल का मतलब ये जो इंटरवल है इसका हम यूज कैसे करते हैं, ये देखिए, जैसे मान लीजिए आपको ये ना लिखना हो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसका मतलब और इसका मतलब सेम होता है, ठीक है, इसका मतलब और इसका मतलब सेम होता है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है x such that x belongs to real number, और x जो है 5 से क्या है, 5 और 5 के बराबर है, और 7 और सॉरी x 5 और 5 के बराबर नहीं, x क्या है माइनस 5, और यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे माइनस 5 से बड़ा होगा और 7 के बराबर और छोटा होगा। तो यानी जो माइनस 5 है वो क्या होगा, वो इंक्लूड मतलब एक्सक्लूड हो जाएगा, वो इसमें एलिमेंट में शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने इसको ओपन कर दिया। अब 7 तक तो इंक्लूड होगा तो इसीलिए हमने इसको क्लोज कर दिया है ना। तो इसको जब हम खोलेंगे तो यही आएगा, राइट। इसी प्रकार इसको लिया गया है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इंटरवल। अब हम बात कर रहे हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय पी ए। पावर सेट क्या है, जितने भी सेट बनते हैं उन सभी को, यदि उन सभी को क्या कहते हैं, उन्हीं का कलेक्शन जो है पावर सेट कहलाता है। जैसे क्या है कि ए जो है, ए एक सेट है, ठीक है। अब इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, जो सबसेट है उनका कलेक्शन क्या कहलाता है, पावर सेट। तो एक तो नल सेट जो होगा है ना, एक तो जो नल होगा, राइट, सॉरी, इसमें इसमें जो है, ठीक है ना,
जैसे यहाँ पे मैं लिखते बता देता हूँ, इसमें कितने सारे एलिमेंट हो सकते हैं, राइट। इसमें कितने सारे, एक तो नल सेट होगा, है ना। पावर सेट क्या होता है, सभी सेट का कलेक्शन होता है। तो एक तो नल सेट होगा, दूसरा कौन सा सेट होगा, दूसरा होगा आपका वन, फिर कौन सा होगा टू, और फिर कौन सा होगा आपका एक वन टू होगा। क्योंकि जो जो मैंने आपको बताया था ना, ए मतलब कोई भी सेट अपने सेट का सबसेट भी होता है, तो इसीलिए हमने इसको लिया। फिर इसको बंद कर देंगे, राइट। तो ये क्या हो गए, जो सबसेट है ये क्या है, सबसेट है, सबसेट, सबसेट और सबसेट। इसको जब पूरा हमने क्लोज कर दिया तो ये पूरा क्या बन गया, एक पावर सेट, राइट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम क्या होती है और उनको कैसे सेट को वेन डायग्राम में कैसे नोटेट करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यूनिवर्सल सेट अभी नहीं बताया, तो इससे पहले यूनिवर्सल सेट जान लेते हैं, उसके बाद वेन डायग्राम है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट होते हैं, राइट। तो जिसके अंदर क्या है, यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर सारे के सारे जो हैं वो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, 1, 2, 3 से लेके 10 तक गिनती है, और ए है एक सेट है, 2, 4, 6, 8, 10 है। तो जो 2, 4, 6, 8, 10 है वो कहाँ से मिलकर बनेगा, इससे यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट होगा, यानी जो ए है वो इसमें भी इंक्लूड होगा, राइट। तो ये यूनिवर्सल सेट होता है, एक बहुत बड़ा सेट जहाँ से हम कोई भी सेट बना सकते हैं। तो बहुत बड़ा सेट क्या होता है, वो यूनिवर्सल सेट होता है, यानी एक ऐसा सेट जहाँ से मिलकर, जहाँ से किसी और सेट को ही बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम एक चौकोर में यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, जैसे ये है। अब इसको हमको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो ये जो चौकोर डब्बा है ये आपका यूनिवर्सल सेट है, राइट। यहाँ पे मैं सेपरेटली बना के दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ये जो चौकोर डब्बा है आपका, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब आपको यूनिवर्सल सेट में क्या है, 1, 2, 3 से लेके 10 तक गिनती है, और इसमें क्या है, 2, 4, 6, 8, 10 है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, टू, सबसे पहले हम ए को बना लेंगे, है ना। इसके अंदर जो है 2, 4, 6, 8, राइट, 2, 4, 6, 8 और 1, 10, राइट। अब बचा क्या, बचा एक, ठीक है ना, राइट। तो ये जो है ना, ए जो है क्या है, ये ए, तो ये इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। एक तो ए में शामिल नहीं है, इसीलिए एक यहाँ पे हमने ए से बाहर लिख दिया है, लेकिन यूनिवर्सल सेट के तो अंदर ही रहेगा। यूनिवर्सल सेट क्या है, ये चौकोर डब्बा, ठीक है। अब मान लीजिए हमें बी कोई सेट है, ठीक है, जिसका एलिमेंट है 4, 6, तो इसको 4, 6, ये आपका बी एक अंदर सेट बन गया, राइट, ए के अंदर, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, सेट के अंदर एक सेट बना है ए से, तो बी क्या हो जाएगा, बी सबसेट हो जाएगा ए का। सबसेट मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स का क्या मतलब होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखते हैं तो वो यूनियन सेट मिल जाता है। जैसे यूनियन है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, है ना। जैसे मजदूरों को हड़ताल करनी होती है तो क्या करते हैं, मजदूर जो है सभी फैक्ट्री में जितने भी मजदूर होते हैं एक फैक्ट्री में, वो सारे के सारे मजदूर इकट्ठा हो जाते हैं, राइट। तो उसको क्या कहते हैं, यूनियन है। तो इसी प्रकार यूनियन सेट्स की भी यूनियन होती है, ठीक है। तो इन पर मान लीजिए कि इन पर कोई मुसीबत आई, या हम कह सकते हैं ये जब इकट्ठा हो गए तो हम क्या, तो क्या हो गया, यूनियन हो गया। तो इसको हम यू से डिफाइन करेंगे, यूनियन, राइट। तो जैसे 2, 4, 6, 8 है, 6, 8, 10, 12 है। अब हमको ए यूनियन बी इसको बनाना है, तो सबको इकट्ठा कर दो, 2, 4, 6, 8 इसके भी आएंगे और इसके भी आएंगे। अब चूंकि जनरली हम सेट में तो रिपीट करते नहीं हैं, तो 8 तो हम पहले ही ले चुके हैं, 6 पहले ही ले चुके हैं, तो 10 होगा और 12 होगा, राइट। तो ये होगा आपका ये ए यूनियन बी। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। यानी अब मान लीजिए इंटरसेक्शन को सबसे पहले तो हम ऐसे उल्टे यू से डिनोटेट करते हैं, राइट। इसको क्या बोलते हैं हम, इंटरसेक्शन। तो अब हमको ए इंटरसेक्शन बी बनाना है, जैसे इसका ए इंटरसेक्शन बी बनाना है। अभी तो हमने यूनियन बनाया था, सब एलिमेंट को इकट्ठा कर दिया। अब इसमें इंटरसेक्शन में क्या देखेंगे, दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं। तो एक तो 6 कॉमन है, 6 लिख देंगे, एक 8 कॉमन है, 8 लिख देंगे, और कोई कॉमन नहीं है। तो इंटरसेक्शन में आप लिख लीजिए कॉमन
और यूनियन में क्या, यूनियन तो नाम से ही मतलब है सबको एलिमेंट को इकट्ठा करना, राइट। अब इसी को इंटरसेक्शन को यदि हम वेन डायग्राम में दिखाएं, राइट, तो अब देखिए दोनों को मैं आपको वेन डायग्राम में दिखाता हूँ, इसको भी वेन, यूनियन को भी वेन डायग्राम में दिखाता हूँ। वेन डायग्राम यूनियन का कैसे बनाएंगे, देखिए एक सेट ए है और एक सेट बी है, राइट, एक सेट ए है एक सेट बी है, राइट। तो यूनियन क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट, या तो ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट, या ऐसे एलिमेंट जो दोनों में हो, तो यूनियन में सब आ जाता है, राइट। और इंटरसेक्शन में क्या आएगा, इंटरसेक्शन में वही आएगा जो कॉमन होगा, राइट। तो जैसे ए है और बी है, राइट। अब इन दोनों में ये जो है ना भाग, इन दोनों में ये जो यहाँ, इन दोनों में कॉमन आने वाले को क्या, इसको बोलेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और ये पूरा क्या होगा, ए यूनियन बी, राइट। दोनों का वेन डायग्राम आपको पता चला कैसे बनाया, इसमें कुछ लॉ है, कुछ लॉ हम समझ लेते हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी या बी यूनियन ए, एक ही बात होगी, जैसे 1+2 और 2+1, राइट, इसी प्रकार इकट्ठा ही तो करना है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कम्यूटेटिव लॉ। अब देखिए ए यूनियन बी और यूनियन सी, या ए यूनियन बी यूनियन सी, राइट, ऐसा होता है ना, 1+2+3, या हम कह सकते हैं यहाँ पे 1+2+3, बात एक ही है, राइट। इसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। अब ए यूनियन फाइ इक्वल टू ए, यानी कोई ए है इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, दूसरा कोई सेट है ये है, ये नल सेट है, राइट, ये कैसा है, नल सेट है, नल सेट को फाइ से, या अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए यूनियन बी करेंगे तो क्या आएगा, 1, 2, 3, अब बी में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कोई नहीं, तो 1, 2, 3 ही आएगा, तो ये किसके बराबर होगा, ए के बराबर ही होगा, राइट। तो इसको बोलते हैं हम आइडियम्पोटेंट लॉ, राइट। और ये क्या है, यूनियन ए, यानी यहाँ पे क्या होगा, यूनिवर्सल, यू जो है ना यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल है, और ये क्या है, यूनियन है और ए है, तो ये क्या है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल, ठीक है। तो मान लीजिए कोई सेट है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, राइट, और ए है, अब यूनिवर्सल, अब 2, 3, 4 है, यूनिवर्सल सेट से ही ए बनेगा, राइट। तो अब क्या होगा, अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, इन दोनों के यू यानी यूनिवर्सल सेट का के एलिमेंट यूनियन और ए, जब हम इसको करेंगे तो आप देखेंगे यूनिवर्सल सेट ही आएगा, है ना, क्योंकि दोनों के एलिमेंट को लिखना होता है हमें, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब इंटरसेक्शन एक बार एग्जांपल और देख लेते हैं इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन में क्या होता है, दो सॉर्ट के कॉमन एलिमेंट लिखने हो, इन दोनों में दो जो कॉमन है 2, 3, 5, 7 ये हमने लिखा है, राइट, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, ये कॉमन आया है ना, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2, 3, 5, 7, जो कि आप देख रहे हैं बी के ही बराबर है, तो बी, तो इससे क्या, तो इस वाले से क्या पता चला हमें, बी जो है ए का सबसेट है, राइट, बी ए का क्या है, सबसेट है, और ए इंटरसेक्शन बी यदि हम करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो वो बी के बराबर आएगा, राइट। इफ टू सेट्स आर सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नल सेट, देन ए एंड बी का आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट वो सेट होते हैं जो नल सेट हो, मतलब डिसजॉइंट सेट का मतलब ये होता है कि एक भी एलिमेंट एक दूसरे में, जैसे 1, 2, 3 ये एक सेट है, बी हम लिख लेंगे 1, बी हम लिख लेंगे 4, 5, 6, क्या इन दोनों में कोई कॉमन है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट है, इसको वेन डायग्राम में हम दिखाएंगे, कोई भी कॉमन नहीं लेंगे, राइट। इसी प्रकार जो मैंने ऊपर आपको लॉ बताए थे, ये इसी प्रकार ये लॉ है, ठीक है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी करेंगे या बी इंटरसेक्शन ए करेंगे, ठीक है, तो ये कौन सा लॉ होगा आपका, कम्यूटेटिव लॉ होगा, ये कौन सा और लॉ होगा आपका, एसोसिएटिव लॉ होगा, ठीक है। इसी प्रकार ये सेम जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था, स्क्रीनशॉट लेके उनके नाम लिख लीजिएगा, लॉ है। अब ये कुछ वेन डायग्राम है, और देखिए जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए ए बी सी है, ठीक है, ये यहाँ पे मैं दोबारा आपको बना के बता रहा हूँ, ठीक है, ए है बी है और सी है, ठीक है। अब हमको बी यूनियन सी करना है, तो बी ए है
और ये क्या है, बी है सी है, तो सी भी पूरा लेंगे हम, बी भी पूरा लेंगे हम, ठीक है। तो इस तरह ये वेन डायग्राम बन गया। अब ए इंटरसेक्शन बी लेना है हमको, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी लेना है हमको, तो हम कैसे लेंगे, ए बी सी, और आपको इस तरीके से दिए गए हैं, तीन तीन सेट दिए गए हैं हमारे, तो ए ओ बी में जो कॉमन आएंगे वही लेंगे, ए ओ बी में जो कॉमन आएंगे वही लेंगे, है ना। अब तीसरा आपका क्या है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी है, राइट, ए इंटरसेक्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन सी है, तो इसको हम कैसे लेंगे, ये यूनिवर्सल सेट है, वो तीन सेट दिए गए हैं, ए है बी है और सी है, तो ए और सी में आने वाला, तो है ना, ये होगा, इसको मत देखिए कि ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ए और सी में आने वाला, राइट, ये वाला ए जो एलिमेंट है वो ऐसे बनेगा। क्या बनाना है, अब हमें इसका इंटरसेक्शन बनाना है, सॉरी इसका वेन डायग्राम बनाना है, तो ये क्या कह रहा है, बी यूनियन सी, तो सबसे पहले इसका अगर हम बनाएंगे तो एक एक करके बनाते हैं, सबसे पहले बी यूनियन सी का बनाते हैं, आपके पास तीन है, ए है सी है बी है, तो सबसे तो बी यूनियन सी का बनाना है, तो बी के सारे एलिमेंट और सी के सारे और बी के सारे एलिमेंट, दोनों एलिमेंट को क्या कर देंगे हम, जो है जैसे मैंने यहाँ पे किया, बी के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट ले लेंगे, राइट। अब हमको क्या करना है, ए के ए ए इंटरसेक्शन और ए इंटरसेक्शन सॉरी ए तो ये हमने बनाया, बी यूनियन सी बनाया था, अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बनाना है ना, यानी ऐसे एलिमेंट हमें कॉमन ढूंढना है जो बी यूनियन सी में हो, एक एक ए में हो और बी यूनियन सी में हो, तो हम कैसे करेंगे, देखिए ये एक है, 1 2 3 सॉरी यहाँ पे मैं अच्छे से बता देता हूँ आपको, ये ए है ये बी है ये सी है, राइट, तो जो ए बी सी तीनों में कॉमन हो, मान लीजिए बी बी यूनियन सी का जो सेट है वो है 1 2 3 4 5, राइट, और ए का जो सेट है वो है 2 और 3, तो ये बी यूनियन सी है, 1 2 3 4 5, है ना, तो 1 2 3 4 5 और ए है 2 3, राइट, 2 3, तो जो बी और सी और ए में कॉमन हो तो 2 3, तो इस तरीके से ही बनेगा, राइट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस तरह इसका जो फाइनल बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है, तो फाइनल क्या बनेगा, ये बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये पूरा क्यों नहीं कवर हुआ, पूरा इसलिए कवर नहीं हुआ क्योंकि हमको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बनाना, बी यूनियन सी तो हमने पूरा कवर कर दिया, ठीक है, लेकिन इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, ये इसलिए आएगा क्योंकि ए से हमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी मतलब हमें वही एलिमेंट लेना है बी यूनियन सी के जो ए के साथ कॉमन है, राइट, जो ए के साथ कॉमन है, तो ए के साथ मान लीजिए ए के साथ कॉमन बी यूनियन सी में कौन से होंगे, ए के साथ तो खाली बी सी का यही भाग कॉमन हो रहा है ना, इसलिए ये फाइनल रिजल्ट ये आया है, राइट। उसी प्रकार जब हम ए इंटरसेक्शन सन क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन यदि हम, आई थिंक मैं चारों आपको बता चुका हूँ, ठीक है, आगे हम और भी एग्जांपल करेंगे इसमें वेन डायग्राम में, एक दो एग्जांपल वाइज, बाकी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं हम डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होते हैं। देखिए डिफरेंस ऑफ सेट, मान लीजिए ये एक सेट ये है और एक्स एक सेट ये बी का है, तो डिफरेंस ऑफ सेट में कैसे, ए माइनस बी, ठीक है। अब इसमें और इसमें जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे उनको हम हटा देंगे, तो 2 इसमें है 2 इसमें, इसको हटा दिया, 4 इसमें है 4 इसमें हटा दिया, 6 इसमें 6 इसमें हटा दिया, अब ए में क्या बचा, 1 3 5, राइट। यदि हमको बी माइनस ए करना हो तो इसमें और इसमें जो भी एलिमेंट है वो हटा देंगे, तो 2 4 6 2 4 6 हटेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बचेगा, 8। तो आपने देखा ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल नहीं होते हैं, राइट, यानी जब भी हम ए माइनस बी करते हैं तो ए में जो कॉमन एलिमेंट है उनको हटाने के बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट बच जाते हैं वो लिखते हैं, और बी माइनस ए में जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटाने के बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट बच जाते हैं उसको लिखते हैं, राइट। तो आगे एक्सरसाइज 1.4 थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसमें जो पूरा का पूरा बेसिक है, बेसिक के साथ एग्जांपल है, जो सब कुछ है, मतलब
मैं कहूँगा ये कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। यदि फिर भी आपको कुछ और क्वेश्चन करने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझको मैसेज भेजिएगा, ठीक है। मैं अगर इस वीडियो को अच्छा लाइक और अच्छे कमेंट अगर मिलते हैं तो मैं इस पर कुछ एक छोटा सा वीडियो मतलब 20-25 मिनट का और लेके आऊँगा, जिसमें सभी टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस होंगे, खासकर जो वेन डायग्राम से है और जो इंटरसेक्शन यूनियन से है उससे। तो फिर आपको एक और आपको मतलब आपका वो चैप्टर बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा, आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इसमें जो है ना मैथ में क्या होता है, जब आप कंसेप्ट कर लेते हैं तो कॉन्सेप्ट आपने अगर अच्छे से समझ लिया तो फिर वो आपका बहुत ही लंबे समय तक वो आपके दिमाग में रहने वाला होता है। तो बस यही है कि वीडियो को अच्छे देखिए, अच्छे से समझिए, ठीक है। मैं समझता हूँ कि मैंने वीडियो पेन टैबलेट पे या वाइट बोर्ड पे नहीं बनाया है ना, हो सकता है हैंडराइटिंग आपको पसंद नहीं आई, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप इस वीडियो को पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे, अच्छे से उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको एक ही वीडियो में बहुत कुछ इसमें पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे मैं इस सीरीज़ को कंप्लीट करूँगा, ठीक है।